हेलो दोस्तों, मैं हूँ आराधना सिंह। वेलकम टू माय चैनल आराधना कुक हाउस। आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। ये 250 ग्राम पनीर है, इसको मैंने कट कर लिया है। और ये दो बड़े साइज के प्याज है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। एक कटोरी मटर है और चार टमाटर है, छोटे साइज के हैं टमाटर। ये 10-12 लहसुन की कलियाँ, चार हरी मिर्चें हैं कम तीखी वाली, 1 इंच अदरक का टुकड़ा। प्याज को मैं मिक्सी में पीस लूँगी और टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन इन सबको एक साथ पीसना है और प्याज को अलग पीसना है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। अब मैं इसमें एक चम्मच जीरा डालूँगी, एक छोटा चम्मच, और एक तेज पत्ता और एक दालचीनी। जीरा हमारा पक चुका है, मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज मैंने पीस लिया था, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाया था, थोड़ा दरदरा ही रखा है। इस तरीके का थोड़ा गोल्डन ब्राउन होने देंगे प्याज को। गैस को हमें मीडियम ही रखना है। प्याज हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम टमाटर, लहसुन और अदरक, हरी मिर्ची का पेस्ट बनाया था, अब इसको डाल देंगे। मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी टेस्ट के हिसाब से। आधा छोटा चम्मच अच्छे से मिला के इसको ढक दूंगी, मैं ढक के छोड़ दूंगी 1-1.5 मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 से 1.5 मिनट हो चुके हैं हमारे। इसमें अब मैं मसाले डालूंगी।
एकदम तीखी वाली कश्मीरी लाल मिर्च है, एक चम्मच इसको डाल दूँगी, छोटा चम्मच ये। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा और डाल देते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, मसालों को बहुत अच्छे से भूनेंगे हम। दो मिनट तक इसको हम भूनते रहेंगे। मसाला पक चुका है, अब इसमें मैं मटर डाल दूंगी। इसको मैं ढक दूंगी एक मिनट के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा स्लो कर दिया था। मटर पकने लगी है, अब मैं इसमें पनीर डाल दूंगी थोड़ी देर के लिए। इसको भी मिला देंगे जिससे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसालों से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गैस को हम मीडियम कर देंगे। अब हम इसे ग्रेवी करेंगे। इसको ढक के एक से डेढ़ मिनट के लिए फिर से छोड़ देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। इसमें मैं गरम मसाला डालूंगी एक छोटा चम्मच। भुनी हुई कुछ कसूरी मेथी,
इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। एक चम्मच चाहिए, मैंने इसको भून लिया था। सब्जी बन चुकी है हमारी, बहुत अच्छी सब्जी बनी है। अब मैं इसको ढक के हरे धनिया डाल के ढक के छोड़ दूंगी 2 मिनट के लिए, ऐसे बंद गैस बंद कर दूंगी। अब गैस को, बहुत अच्छी सब्जी बनके तैयार हुई है मटर पनीर। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।